पिछले कुछ टाइम से ये कुछ क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसका प्राइस चेक किया, लिटरली 12,000 रुपये का था। तो यार इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसके अंदर सिंपली एक कॉइल होता है जो पेपर को बर्न करता है। तो इसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक लाइटर मिला जो कि ऑलरेडी परफेक्ट शेप में था। और गाइज इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, इसे फ्लैश पेपर बोलते हैं। इस पेपर के बर्न होने के बाद बिल्कुल रेसिड्यू नहीं बचता है और इन सबको शेप देने के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा क्ले। तो गाइज मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ करके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ जो कि इसके टॉप पे अटैच हो जाएगा। इसको अटैच करने के लिए भी मैं यहाँ पे क्ले का ही यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं टूल्स का यूज करके थोड़े बहुत डिजाइन बना रहा हूँ। गाइज मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो परचेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक्रेलिक पेंट का यूज करके इसे पेंट कर ले रहा हूँ। सब हो जाने के बाद मैं लास्ट स्टेप पे इस पे वार्निश अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज ये फाइनली रेडी हो चुका है और अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की। तो गाइज थोड़े बहुत फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ये परफेक्टली वर्क करने लग गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।